छतरपुर जिले के खजुराहो थाना क्षेत्र के ग्राम पहरा पुरवा में गुरुवार की सुबह एक खेत में आधुनिक कृषि यंत्र से फसल काट रहे किसान की मशीन की चपेट में आ जाने के कारण दर्दनाक मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया गया कि घटना के बाद गंभीर अवस्था में घायल किसान को जिला अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में मौत की पुष्टि होने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। क्या नाम है आपका? नंदलाल पाल। कहाँ के रहने वाले? पहरा पुरवा के। क्या हुआ है? ये मशीन से हाथ कट गया भैया का। क्या कर रहे थे? राई काट रहे थे। कितने बजे रात के? सुबह वही 9-8 बजे करीब। मशीन चला रहे थे। कहाँ कहाँ चोट आई इनकी? गर्दन में, कान से और हाथ यहाँ से कट गया है। यहाँ से पूरा कट गया। हाँ, यहाँ से यहाँ तक पूरा। कहाँ ले गए थे इलाज के लिए? सबसे पहले एम्बुलेंस को फोन लगाया, राजेंद्र अस्पताल में लिखवाया, इसके बाद में छतरपुर लाए। कहाँ खत्म हुई ये? रास्ता में खत्म हुई, बिक्रमपुर के पास, छतरपुर में बाहर बस छतरपुर के पास ही खत्म हुई। कौन है आप? ये इनके चाचा के लड़का है हमारी। उम्र कितनी है इनकी? उम्र हुए वही सब 32 करीब हुए। आपका नाम क्या है भैया? बाबूलाल पाल। कहाँ के रहने? ग्राम लालपुरवा पोस्ट पहरापुरवा थाना खजुराहो तहसील। क्या हुआ था? कोई घटना बता दो। वो कटर मशीन चला रहे थे तो वो इससे हाथ बिट गया, और फिर हाथ के संगे संगे जी गर्दन भी बिट गई, तो उसके लिए वजह से है सो ये हादसा हो गई। क्या क्या निकाल रहे थे? लाही निकाल रहे थे। कितने बजे की घटना है? सवेरे 8 बजे की। कितने लोग थे साथ में? 5-7 लोग थे। कैसे जानकारी लगी आप लोगों? अब जब सब साथ में थे, जब जी बिट गए तो सब ने रोचल ने तो फिर सब जन ने देखा, उनको निकाला और ऐसा फिर ले भागे। राजनगर अस्पताल लेकर आए एम्बुलेंस से, और छतरपुर आते आते और ऐसा अस्पताल के अंदर ही अंदर होते होते ये प्राण कड़ गए उनको। डॉक्टर ने क्या बता दिया उनको? डॉक्टर ने बता दिया कि बॉडी खत्म है। अब क्या करवाया जा रहा है इनका? पोस्टमार्टम।